कि ज्योति माही जी ये चटना गाइए, वो पटना गाइए, बहुत ऐसे गाने, तो ऐसे मोमेंट में ज्योति माही क्या गाए? मैं मना कर देती हूँ। अचानक से मना करने में आपको भय नहीं, आपके अंदर डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा, जो चीज हम नहीं करते हैं उसको मना करने में क्या है, जो हम नहीं गाते हैं उसको मना करने में क्या जाता है? जो नहीं गाते हैं उसको मना करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं रखता? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि हमको पता है हम क्या है, और हम जो गाते हैं वही गाएंगे। उससे ज्यादा लोग अगर हमसे उम्मीद करेंगे तो फिर मैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरूंगी। बाकी मुझे अपनी पब्लिक पे, अपनी जनता पे, अपने दर्शकों पे विश्वास है कि मैं जो गाती हूँ मुझे उसी रूप में पसंद है। अभी अक्सर देखते होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमका बीमारी आ गया, यानी कि जो है हम है। अगर आप बात करें तो पवन सिंह का एक डायलॉग फेमस होता है कि झमकवला से हुई, तो इसी पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ भोजपुरी जगत के मशहूर सिंगर, मशहूर गायक, जो किन्हीं पर्चे के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है ज्योति माही। बाकी इनसे बातचीत करेंगे। कैसा लगा हमारा बिहार में आके, यूपी से? सबसे पहले तो मैं बीबीएल न्यूज के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी भोजपुरिया समाज को, सभी मैथिली समाज को मैं प्रणाम करती हूँ। और बिहार में तो मेरी जान बसती है, मेरी पहचान ही बिहार से है। मैं क्या बोलूँ कि मुझे क्या लगता है, मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा घर है। यानी कि बहुत लगाव रखते हैं बिहार से, आप रहने वाले हैं यूपी से, इतना अटैच, इतना लगाव बिहार से आखिर कैसे हुआ और कहां से शुरुआत हुआ आपका बिहार से इतना लगाव? हाँ, मैं यूपी के रहने वाली हूँ, ये बात सच है। वो भी लखनऊ से हूँ और हमारे यहाँ अवधि चलती है, लेकिन मैं भोजपुरी जो भाषा है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो भोजपुरी भाषा से अच्छी कोई भाषा ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, तो आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में कौन सा भाषा उपयोग किया जाता है? यूपी में हिंदी और भोजपुरी। अच्छा, हिंदी और भोजपुरी, फिर भी बिहार में मैथिली, मगही, बहुत सारे भाषा। आप मैथिली में भी काफी अटैच में रहते हैं, मैथिली को भी काफी पसंद करते हैं, कैसे? क्योंकि यूपी में तो मैथिली का कोई नामो निशान नहीं है, फिर आपको मैथिली अचानक गाना पसंद कैसे आने लगा? मैं, मेरी पहचान ही मिथिला से हुई है और मैथिली जो भाषा है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मिथिला की ही हमारी भोजपुरी की धरोहर जो कि है शारदा सिन्हा जी, देवी जी, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो हमारी आइडल है, जिनकी वजह से मुझे मैथिली बहुत पसंद है। और अच्छा, ज्योति माही के अंदर घमंड कब आएगा, एटीट्यूड कब आएगा? वो कभी नहीं आएगा, मरने के बाद भी नहीं आएगा। सच में ना? कभी नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, ज्योति माही किस गाने को लेकर पब्लिक का इतना प्यारा सिंगर बन गए? मेरा एक ही गाना है जो कि मैं, शारदा सिन्हा जी का एक राम विवाह गीत है, उसको कहा जाए तो गारी बोला जाता है, वो गीत मैंने गाया था तो काफी वो वायरल हुआ, जिससे मेरी पहचान बनी। और गाना सुना दूं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक चाह रहे हैं कि आपके मुख से सुने और उन्हें आनंद आए। ठीक है, मैं सुना देती हूँ, वो गाना ये है। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ, ए बता दो बबुआ, लुगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ, लुगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। इस गाने से मुझे बहुत प्यार मिला है और इसी से मुझे जाना भी जाता है कि नहीं ज्योति माही कोई है। ज्योति माही इतना पॉपुलर हुई राम जी से पूछे ले, क्या जनकपुर के नारी, जनकपुर के नारी, ऐसे बहुत सारे गाना गा रहे। भोजपुरी इंडस्ट्री में बताया जाता है यूपी बिहार में कि अश्लील अधिक लोग पसंद करते, क्या ज्योति माही को भी लगता है कि दर्शकों को अश्लील बहुत ज्यादा पसंद? देखिए, हम जैसा परोसेंगे वैसा लोग खाएंगे, ठीक है। और रही बात कि मैं सुनती भी नहीं हूँ और अश्लील के बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ। भी कलाकार बनना चाहे या फिर बिहार की बेटी किसी भी क्षेत्र में कदम जब धरती है तो उन्हें
ताना का यानी कि बारिश होता है, बहुत सारे ताना सुनना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे गलत गलत अशब्द भाषा सुनना पड़ता है, वैसे में आप किस तरह से कदम बढ़ाए जो आज अनेकों पब्लिक लाखों पब्लिक के दिलों पर राज। देखिए जब किसी चीज का जुनून चढ़ता है ना तो लोगों के तानों का कोई असर नहीं होता है। दूसरी बात कि ऐसा कौन सा काम है आप शुरू करते हैं तो उसके लिए ताने नहीं मिलते हैं। हम कोई भी काम शुरू करें, ये दुनिया है, ताने तो मारेगी। अक्सर बताया जाता है हमारी बेटी जात जो होती है, लड़की जात जो होती है, घरों के खाना बनाने के लिए होती है। इसे क्या बात करते हैं, झांसी की रानी खाना बना रही थी। अक्सर लोग कहते हैं, आपकी मम्मी भी आपको कहती होगी कि बेटा आप यह कार्य करो, खाना बनाओ, रोटी बेलो, फिर अचानक आप सिंगर बने। तो कहीं ना कहीं कुछ अलग से आप निर्णय लिए होंगे या फिर आप अपने पिताजी माताजी के विरोध में भी उतर। नहीं नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं है। थोड़ा मोड़ा देखिए क्या होता है, जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो पहली बात तो परिवार वालों ने वो चीज देखा नहीं। जैसे हमारे खानदान में कोई नहीं गाता है तो उनको कैसे मालूम होगा कि नहीं ये सक्सेस होगी इस लाइन में। तो हम कुछ करके दिखाएंगे तब ना हमारी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, नहीं हमारा बेटा या बेटी इस चीज को कर लेगी। तो हमने करके दिखाया, मान गए। यानी कि आपको लगता है कि अगर हम किसी कार्य को करना चाहेंगे, अगर आप सक्षम है तो आप करेंगे, तो आपका गार्जियन भी आपको सपोर्ट जरूर करेगा। बिल्कुल, आप उनको करके दिखाइए, आप प्रूफ करिए कि नहीं हम ये चीज कर सकते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। जो चीज परिवार ने कभी देखा ही नहीं उसके लिए कैसे आपको बढ़ावा देंगे। आप करो उसको, जुनून लाओ, दिखाओ परिवार को कि नहीं मम्मी पापा या कोई भी हम ये चीज करेंगे या कर सकते हैं। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक उसका कुछ मिलेगा नहीं, कैसे पता चलेगा कि नहीं आप ये काम कर लेंगे। बिल्कुल, बीबीएल न्यूज आप सबों को आग्रह करता है, खास करके लड़कियों से, कि आप एक तरह से कहे तो एक समाज की उगता हुआ सूरज है। जिस तरह से आए दिन सूरज रेगुलर उगते हैं और डूब भी जाते हैं, उसी तरह आप हैं। यदि आप अपने आप पर विश्वास रख के कोई भी कार्य करते हैं तो जरूर सफल होइएगा। ज्योति माही जी, एक करवा सवाल, आपको किन्हीं से प्यार हुआ है? क्या चीज प्यार हुआ है कि नहीं? प्यार बस हमको संगीत से है। संगीत से, माता पिता से नहीं? क्यों नहीं है, सबसे पहले तो वही आते हैं। आपने बोला किसी से प्यार हुआ है, हम ये नहीं बोल, हम बोल रहे किन्हीं से प्यार हुआ, मतलब माता पिता, संगीत, बहुत सारे। माता पिता से प्यार तो जब से बच्चा पैदा होता है तभी से होता है, बट माता पिता के बाद सीधे मुझे संगीत से प्यार है और अपने दर्शकों से प्यार है, बस बाकी दुनियादारी से। पर्सनली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई लाइफ पार्टनर बने तो उससे पहले हम उसके बारे में जाने अधिक से अधिक मात्रा में, तब हम उन्हें अपना लाइफ पार्टनर। देखिए बिना लाइफ पार्टनर के तो जिंदगी चलेगी नहीं, लेकिन अभी मेरा लाइफ पार्टनर मेरा संगीत है, आगे जब कोई आएगा तो सबको पता चल जाएगा। ज्योति माही प्रेम करके शादी करेंगे या फिर माता पिता जो चुनेंगे उनसे? अभी ये डिसाइड नहीं किया, ये भाग्य पे क्या लिखा होगा देखा जाए। अच्छा, ज्योति माही से और भी कोई गाना ऐसा जो जिन्हें दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर? बहुत सारा गाना ऐसे तो देखा जाए, एक गाना भी मेरा वायरल हुआ था, हो कुदरत ने सनम तुमको क्या सुख अदा दी है, हो कुदरत ने सनम तुमको क्या सुख अदा दी है, हो जुल्फों में किया जादू आंखों में हया दी है, हो कुदरत ने सनम तुमको क्या सुख अदा दी है। आपके यहाँ आने से पहले हमें जब पता चला सरों के द्वारा कि आज हमें ज्योति माही यानी कि सुपरस्टार का एक इंटरव्यू लेना है, तो आपका एक गाना सुनकर आए थे कि जाए चंदा ले आवो खबरिया, ये दो लाइन गुनगुना। अच्छा बिल्कुल, जहिया से चली गईली छोड़ी के हमके, जिंदगी भोयला सुनसान हो, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोरी जान हो, ए चंदा कैसन बाड़ी मोरी जान हो। आखिरी में कहना चाहेंगे जो नए कलाकार उभर रहे, उभरते हुए कलाकार से आखिरी में क्या संदेश देना? देखिए मैं तो प्रोग्राम के चक्कर में रियाज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितने भी मेरे
छोटे छोटे भाई बहन या जो भी बड़े भी हैं, सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, आप रियाज करें, संगीत की साधना करें और खुद पर ना विश्वास रखें। बिल्कुल, आज ज्योति माही से बातचीत करने के दरमियान में आने वाले कलाकारों के लिए भी बोले गए हैं कि आप रियाज करें, प्रैक्टिस करें और अपने हौसला को बुलंद रखें। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें बीबीएल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।